Hello, welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 14 practical geometry exercise 14.5 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge the perpendicular bisector of a line segment. Diye hue line segment ka ek perpendicular bisector kaise banana hai uske bare mein abhi hum log dekhenge. Ye aa gaya mera topic perpendicular bisector of a line segment. इसको हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कॉम्पस. ये मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए एक लाइन सेगमेंट का. तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. पॉइंट नंबर वन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट जिसका नाम रहेगा ए बी ऑफ एनी लेंथ. यानी कि एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसका कोई भी एक लेंथ हो सकता है. यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है ए और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है बी और इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दिया है यानी कि ऐड कर दिया है. तो ये एक लाइन हो गया जिसका दो एंड है. यहाँ पे ए एक एंड है और यहाँ पे बी एक एंड है ये लाइन का. इसलिए ऐसा लाइन जिसका दो एंड होता है वो कहलाता है एक लाइन सेगमेंट. और इसको लिखते हैं हम लोग ऊपर में एक बार देके ए बी और ऊपर में एक बार. ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट का साइन. पॉइंट नंबर टू, यूजिंग ए एंड बी एज सेंटर्स. यानी कि ए को और बी को हम लोगों को एक सेंटर के जैसे कंसिडर करना है. एंड ड्रॉ टू सर्कल्स विद कॉम्पस लेंथ ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी. यानी कि हम लोगों को ए और बी को एक सेंटर कंसिडर करना है और क्या करना है, एक सर्कल बनाना है. ए को सेंटर पकड़ के बनाएंगे एक सर्कल और बी को सेंटर पकड़ के बनाएंगे एक सर्कल. ओके, अब सर्कल बनाने के लिए हम लोगों को एक रेडियस का जरूरत पड़ता है. बिना एक रेडियस का हम लोग सर्कल नहीं बना सकते. तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा मेरा ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी. यानी कि ए बी जो है उसका हाफ कहीं पर यहाँ पर लगभग होगा आसपास, तो इससे ज्यादा होना चाहिए मेरा रेडियस. यानी कॉम्पस का जो लेंथ होगा, कॉम्पस का जो पॉइंटर और कॉम्पस का जो पेंसिल एंड है, ये जो लेंथ होगा वो लेंथ हम लोग का होना चाहिए ए से लेके और ए बी का जो हाफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा. तो ये हो गया मेरा कॉम्पास लेंथ ग्रेटर देन हाफ ऑफ ए बी. ओके, अब हम लोग सर्कल बनाएंगे. देखिए ये है मेरा पॉइंट ए और ये है मेरा पॉइंट बी. तो पॉइंट ए में हम लोग क्या किए, कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप है उसको हम लोग बैठा लिए पॉइंट ए में और कॉम्पस का जो पेंसिल टिप है उस पेंसिल टिप के साथ हम लोग सर्कल बनाए. वैसे ही सेम रेडियस के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बी को सेंटर पकड़ा और इसी रेडियस से जो हम लोगों ने ए का सर्कल बनाने के टाइम पे यूज किया था उसी रेडियस को लेके यहाँ भी हम लोगों ने एक सर्कल बनाया जहाँ पे बी मेरा सेंटर में है. अब इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी एंड डी. ये जो दो सर्कल बना, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है दो पॉइंट में. एक है मेरा पॉइंट ये वाला जिसको नाम हम लोग दे दिए हैं सी और एक है पॉइंट ये वाला जिसको नाम हम लोग दे दिए हैं डी. नाउ जॉइन सी डी. अब हम लोग सी डी जो दो पॉइंट है उस दो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं. देखिए डॉटेड लाइन दिया हुआ है, इस डॉटेड लाइन के साथ हम लोगों ने सी और डी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है. तो ज्वाइन करने से क्या हुआ है, देखिए नाउ ज्वाइन सी डी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया. उसके बाद विच कट्स ए बी एट ओ, जो लाइन सेगमेंट था ए बी, ये जो लाइन नया बना है सी डी वो ए बी को इस पॉइंट में कट किया है. तो क्या होता है कट करने से, हेंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंगल ए ओ सी बी ओ सी ए ओ डी बी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर पॉइंट हो गया लाइन सेगमेंट ए बी का. जहां पे मेरा सी और डी इंटरसेक्ट किया ए और बी के साथ, वो हो गया है मेरा सेंटर पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का. और जो एंगल बना है सी डी और ए बी के बीच में, वो मेरा बन गया है सारा का सारा 90 डिग्रीज का. यानी कि ये हो गया है मेरा परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर होता है तभी जाके एंगल बनता है 90 डिग्रीज का.
Therefore, angle COB 90 degrees, angle BOD 90 degrees, angle AODB 90 degrees और angle AOCB 90 degrees. इस तरीके से हम लोगों ने दिए हुए लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, जो AB को एकदम सेंटर से कट किया और 90 degrees एंगल बनाया. ओके, थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and press the bell icon to get new video updates.